तो इस वीडियो का आइडिया मुझे इस अंग्रेज यूट्यूबर की वीडियो देखकर आया। इसका टाइटल था कि लिविंग ऑफ 1 pound इन द वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री। और वीडियो को ओपन करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो कराची की बात कर रहे हैं। But it is in fact a real place. And according to the worldwide cost of living index, it is one of the cheapest places on our planet. और क्योंकि मैं खुद कराची पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कराची के अंदर चीजें सस्ती मिलती हैं, बल्कि महंगाई दिन ब दिन बढ़े जा रही है। एंड टू फाइंड आउट कि कराची क्या असल में दुनिया का सबसे सस्ता तरीन शहर है, आई एम गोइंग टू डू द $1 चैलेंज। तो $1 फिलहाल 289 रुपीज का चल रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 300 रुपए कर लेंगे। 300 रुपए के बजट के अंदर आज हम लोगों ने नाश्ता भी करना है, दोपहर का खाना भी खाना है और रात का खाना भी खाना है। और रूल सिर्फ और सिर्फ एक है, 300 रुपए से जितने पैसे ज्यादा बढ़े उतने मुझे पुशअप्स करने पड़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। तो भाई आज संडे है और कराची में संडे का आगाज तो हलवा पूड़ी के साथ ही होता है, तो बस नाश्ते का टाइम तो हो गया और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो बस अब जल्दी से हलवा पूड़ी की दुकान पे चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे है हलवा पूड़ी की दुकान और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और बस जल्दी से जाके ऑर्डर देते हैं। The very first time that I saw you, Habibti, I said Assalamu alaikum. You said Wa alaikum assalam. But I was caught up in spiritual attraction. तो गाइस नाश्ता आ गया, 40 की पूड़ी, 20 का हलवा और चने फ्री मिले हैं। बजट कम था इसलिए पूड़ी सिर्फ एक ही मंगवाई है, लेकिन अगर बजट ज्यादा होता तो दो से कम तो कभी जिंदगी में भी नहीं मंगवाता। तो गाइस नाश्ते से हम लोग फारिग हो गए हैं और 60 रुपए हमारा बिल बना था, लेकिन हम लोगों ने जब अंकल को पैसे दिए तो अंकल ने सिर्फ 50 रुपए काटे, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि पैसों की हम लोगों को बहुत अशद जरूरत है। तो पैसे हम लोगों के पास सिर्फ 250 रुपए बचे हैं और अब इसी के अंदर हम लोगों ने दोपहर का खाना और रात का खाना भी खाना है, तो बस अब दोपहर को आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो फाइनली दोपहर के खाने का टाइम हो गया है और दोपहर के खाने में हम लोग खाने जाएंगे कराची की अल मशहूर सौगात बिरयानी, क्योंकि बिरयानी मजे की भी बहुत होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैसों की हमारे पास बहुत ही ज्यादा किल्लत है, तो पैसे हम लोग जितने से जितने बचा सकते हैं उतने बचाएंगे और बस अब बिरयानी की दुकान पे चलते हैं। तो गाइस बिरयानी में खाकर आ गया हूँ, 140 रुपए की बिरयानी थी और 250 रुपए हमारे पास बचे थे, तो 250 में से अगर 140 रुपए माइनस करें तो 110 रुपए सिर्फ हमारे पास बचे हैं। और अब इसी 110 रुपए के अंदर हम लोगों ने रात का खाना भी खाना है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 110 रुपए बहुत कम है रात के डिनर के लिए, लेकिन मुझे अभी रिसर्च करनी पड़ेगी कि 110 में कुछ ऐसा मील आ जाए जो मैं रात में खा सकूं। तो फिलहाल दोपहर के हो रहे हैं 3:30 और रात होने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो मैं तुम लोगों से अब रात के खाने का टाइम मिलता हूँ। 2000 years later. यार सिर्फ 110 रुपए बचे हैं और समझ नहीं आ रही कि रात के खाने में क्या खाऊं। यार हमजा भट्टी ने वो स्टार्ट की तो है वो वाली सीरीज जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी तुम लोगों को खाने और बजट के अंदर खाने तो मुझे वॉइस नोट भेजो, मैं तुम लोगों को जगह रिकमेंड करूंगा। यार लेकिन वो तो इस्लामाबाद में रहते हैं ना। हाँ ये तो है, कोई ऐसा बंदा बता जो कराची के अंदर फूड कंटेंट बनाता और वो मुझे कोई जगह रिकमेंड कर सके। हाँ मुझे एक बंदे के बारे में पता है। कौन? इरफान जुनेजो। हेलो। हाँ इरफान भाई, यार कुछ बताए ना क्या खाया जाए। द फेमस नर्सरी सुपर बर्गर। ये नर्सरी सुपर बर्गर नहीं है, ये देसी हिप हॉप है। लेट मी एक्सप्लेन। भाई जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम लोग इरफान जुनेजो की रिकमेंडेड बन कबाब की दुकान पे अपना $1 चैलेंज का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने के लिए आ गए हैं। The very first time that I saw you, Habibti, I said Assalamu alaikum. तो गाइस बन कबाब हमारा आ गया है, पर छोटा सा भंड ये हो गया कि हमारा बन कबाब जो है 120 रुपए का है और बजट हमारे पास 110 रुपए का बचा था, लेकिन अभी फिलहाल उस चीज को दफा करते हैं और बन कबाब खाते हैं। मजेदार। तो यार इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा बचपन में था, मैं बचपन से इस बर्गर को खाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन इसका टेस्ट अभी तक उतना ही मजे का है जितना बचपन में होता था।
10 out of 10 यार रिकमेंड करूंगा मैं तुम लोगों को। सब जल्दी से इसको खत्म करते हैं और बस घर निकलते हैं। The next day. दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि कल हमारे बजट से 10 रुपए ज्यादा लग गए थे और रूल जो था वो ये था कि अगर हमारे बजट से 1 रुपया भी ज्यादा लगा तो उतने पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। तो 10 रुपए इज इक्वल टू 10 पुशअप्स। सो लेट्स डू इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी तुम लोग कमेंट्स करो कि मुझे और कौन कौन से चैलेंजेस करने चाहिए। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।